जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर हयात है और 2017 में मुझे पाइल्स हो गए थे जिसको बवासीर कहते हैं। मैं बहावलपुर में गया हूँ, वहाँ पे मैंने चेकअप करवाया था, एक सर्जिकल है प्राइवेट है, उन्होंने कहा था जी आपका ऑपरेट होगा। मैंने वहाँ से ऑपरेट करवाया 2017 में। ठीक उसके ना 2 माह बाद 3 माह बाद ना मुझे अनल फिस्टूला हो गया था। अब उस खौफ से मैं दोबारा किसी का चेक नहीं करवा रहा था कि मैंने एक ऑपरेट करवाया है और मुझे अब दोबारा एक और ऑपरेशन कराना पड़ गया है, उसकी वजह से मुझे शायद फिस्टूला हो गया, जैसे दिल में खौफ होता है, खौफ सा आ गया। खैर उसके बाद मैंने इस्लामाबाद में तकरीबन 11 डॉक्टर्स को चेक करवाया और 6 बड़े हॉस्पिटल्स में मैं गया हूँ, वहाँ जाके मैंने चेकअप करवाया अपना। लेकिन मैं कहीं से जैसे एक सेटिस्फेक्शन होती है, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई और दिल में एक डर सा था कि मैं अगर ये ऑपरेट करवाता हूँ तो मुझे कोई और इसके अलावा फिर ना मुझे सर्जरी ना करवानी पड़ जाए इसकी वजह से। तो खैर मैं PF हॉस्पिटल पाकिस्तान एयर फोर्स का जो हॉस्पिटल है माशाल्लाह, मैं यहाँ पे आया हूँ और आके मेरी मुलाकात हुई जो डॉक्टर हनीफ साहब के PA नौमान सती साहब, उनसे मैंने जैसे एक होता ना जर्नल आके चेकअप करवाने के जी चलिए इनसे भी चेक करवा लें क्या होता है। तो खैर नौमान भाई ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया, मेरे अंदर से जैसे एक खौफ था उन्होंने मुझे तसल्ली दी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप एक बार डॉक्टर हनीफ साहब को चेक करवा लें, अगर आपका दिल मुतमईन होता है तो फिर आप आगे अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाइएगा। जिस टाइम फिर मेरी डॉक्टर हनीफ साहब से मुलाकात हुई, माशाल्लाह से जिस तरीके से उन्होंने मुझे चेक किया तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और इन्होंने डीपली जो एक चीज़ होती है, एक चीज़ को उन्होंने जज किया, उनकी उस जजमेंट की वजह से और उनकी डीपली उन्होंने कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट उन्होंने मुझे पूरा चेक किया ना, तो वो चीज़ ना मुझे महसूस हुई कि जी मेरे अंदर ना एक जो खौफ सा था ना वो ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा कि जी ये इतना आपका बड़ा मैटर नहीं है, बड़ा मसला नहीं है, ये आपका अनल फिस्टूला है और ये एक नॉर्मल से उन्होंने 3-4 मुझे एक टेस्ट ले कर दिए कि आप ये करवा लें और उसके बाद आपको बताएंगे। फिर मैंने वो टेस्ट करवाया यहीं से ही, तो वो टेस्ट करवाने के बाद मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा जी आपका ये नॉर्मल है, आप ये करवा लें सर्जरी तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाए। फिर मैंने दोबारा सोचा कि जी अब ये करवाऊँ ना करवाऊँ, खैर मैंने तवक्कल अल्लाह अल्लाह का नाम लेके मुझे, क्योंकि डॉक्टर साहब की तबीयत बहुत अच्छी लगी और ये इज़ वेरी एक्सपीरियंस जो है ना उनका मैंने देखा, उनका चेक करने का मुझे पता चल गया कि ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। और जिस तरह फिर मैं आया हूँ, आके मैंने एडमिट हुआ हूँ और मेरी उन्होंने सेम डे सर्जरी की है। सर्जरी करने के बाद एक दिन गुजरा तो उससे मुझे कहते हैं कि आप डिस्चार्ज से आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने 2017 में ऑपरेट करवाया था जब पाइल्स का, तो मैं जब पहली बार वॉशरूम गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लिहाजा आज मैं डिस्चार्ज नहीं होना चाहता हूँ, मैं कल होऊंगा, पहले मैं वॉशरूम जाऊंगा तो बाद में। मैंने कहा जी आप बेफिक्र हो जाए, यहाँ पे आप अच्छी जगह आए हैं और आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, हमने अच्छे से ऑपरेट किया। तो मैंने कहा नहीं सर मेरे दिल में खौफ है। तो फिर खैर मैं एक दिन फिर मैंने स्टे कर लिया, तो मैं रात को गया वॉशरूम बिल्कुल ठीक ठाक, मैं हैरान हो गया, मेरे लिए जैसे मुआवजा कहते हैं मुआवजा हो गया कि जी मुझे तकलीफ़ भी नहीं हुई और माशाल्लाह से मैं वॉशरूम से बिल्कुल क्लियर होके आ गया। दूसरे दिन फिर डॉक्टर साहब आए, उन्होंने मुझे कहा कि जी अब क्या पोजीशन है, मैंने कहा जी मैं तो बिल्कुल फिट हूँ, उन्होंने कहा जी आप जा सकते हैं। तो मैं चला गया और डिस्चार्ज होके जब मैं नीचे गया हूँ तो सबसे पहले जो है ना मुझे डॉक्टर साहब की एक जो उनकी गाइडलाइन थी या उनकी जो जजमेंट थी तो बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद जब मैंने हॉस्पिटल की मैनेजमेंट देखी है या इनका जो स्टाफ देखा है, सर्विसेज देखी हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त मुझे लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं इस्लामाबाद में तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि काफ़ी जगह गया हूँ, मैंने चेकअप करवाया देखा, लेकिन मैं कहीं से सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेकिन जब इनका मैंने सिस्टम देखा ऑपरेट करने का या बेहोश करने का तरीक़ेकार या ऑपरेट करने के बाद फिर बाद जो सर्विसेज हैं वो हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जो है ना फिर जब मैं मेरे दिल में एक छोटा सा एक और खौफ भी था कि आप इतनी अच्छा हॉस्पिटल है, इतना अच्छा डॉक्टर है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, साफ ज़रा कि इनकी कास्ट तो बहुत ज़्यादा होगी, अब पता नहीं क्या होगा। खैर जब मैं नीचे गया हूँ, जब मुझे बिल मुझे बताया गया तो मैं मेरे लिए वो शॉक था ना कि जी इतना यानी आपने कम बनाया। मैंने कहा शायद भूल ना गया हो ना, मैंने कहा सर आप एक बार इसको रीचेक कर लें, कौन सुनूंगा। मैंने कहा, उन्हें कहा नहीं आपका इतना ही बिल है। तो माशाल्लाह से माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे मुझे 2017 में
मैंने ऑपरेट करवाया, और उसके बाद मैं खौफ के मारे किसी जगह पे नहीं जा रहा था ऑपरेट करवाने के लिए, सर्जरी करवाने के लिए, कि मुझे एक तो अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा और दूसरे नंबर पे ना मेरे पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। लेकिन जब मैं PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद, पाकिस्तान एयरफोर्स के हॉस्पिटल इस्लामाबाद में आया हूँ, तो वो मेरे जो 6 साल वाला जो खौफ था वो ख़त्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस टाइम अपने दिल से सबसे पहले जो डॉक्टर साहब के पीए नौमान भाई, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे पहले से ही अच्छा गाइड किया। उसके बाद डॉक्टर हनीफ साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बहुत ही अच्छे सर्जिकल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान एयरफोर्स हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है, पूरी टीम है, आई एम थैंकफुल थैंकफुल थैंकफुल, बहुत अच्छा उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया, बहुत अच्छी सर्विसेज दी। और उसके बाद जो है मुझे जो अकाउंट्स वाले हैं उनका मैंने देखा है। तो मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस मैनेजमेंट को, इस पूरी टीम को, डॉक्टर समेत सबको सलामत रखे। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं जो बाहर रहते हैं, जिनको ख़ास तौर पर बवासीर, रनल फिस्टूला, कोई भी इशू होता है, तो वो यहाँ पर लाजमी है और यहाँ पर आकर चेकअप करवाएं। आपका ना पैसा ज़ाया होगा ना आपका टाइम ज़ाया होगा। यहाँ पर इंसानियत मैंने देखी है कि यहाँ पर इंसान की कदर है, यहाँ पर कारोबार नहीं है। तो मेरी दुआ है कि इस इदारे को अल्लाह ताला मज़ीद तरक्कियाँ दे। आमीन जी, जज़ाकअल्लाह।